एक्साइटेड हूँ, मुझे पता है यहाँ पे देश के हर कोने से लोग आए हुए, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे भी सारे सेलिब्रिटीज है और विक्की भाई भी है। क्या चिड़िया उड़ गई, कुछ पेड़ बचे हैं? चिड़िया उड़ गई, कुछ पेड़ बचे हैं, शाणा इधर इधर कुछ डेढ़ बचे। अभी 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 पूरा सुनो ठीक है। चिड़िया उड़ गई, कुछ पेड़ बचे हैं, शाणा इधर इधर कुछ डेढ़ बचे हैं, बकरी तो मैं खा गया कब का। बकरी तो मैं खा गया कब का, अब लगता है थोड़े भेड़ बचे। थैंक यू और जेन्युइनली सबके लिए तालियां, बहुत टैलेंटेड लोग। और अभिषेक, अभिषेक हमेशा बोलते रहता है कि वो बहुत ही ओवर एक्सप्रेसिव है, एक्सप्रेस बहुत करता है, हर बार बोलता है ओवर पजेसिव है, ओवर एग्रेशन है, ओवर लव है, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर स्मार्ट, ये सब बोलना भूल जाता है। लेकिन वो बहुत अच्छा लड़का है। बट मैं अरुण भाई पे आ जाऊंगा तुरंत ही। अरुण भाई और बिग बॉस में एक सिमिलैरिटी है, पता है आपको? दोनों नहीं दिखते। लेकिन एक फर्क है, बिग बॉस की आवाज में दम तो है। बात है, क्या बोलता है अरुण भाई हैदराबाद से, पता है पुष्पा राज? पुष्पा राज झगड़े का क्या बोलता है? झुकेगा नहीं। अरुण भाई झगड़े में बोलते थूकेगा नहीं। अगर शुरू कर ही रहे इनको रोस्ट करना, तो सबसे पहले सबसे फेमस सेलिब्रिटी जो हमारे इस शो पे है एज अ कंटेस्टेंट, और सबसे फेमस और सबसे ब्यूटीफुल आल्सो, मनारा। और मनारा जब से यहाँ पे है दिल्ली में पिछले 3-3.5 महीने से नॉइस पॉल्यूशन काफी कंट्रोल में। मनारा इतने एक्सप्रेशंस बना दिए, एक दिन उसको मिरर ने चमाट मारा था। और मनारा का घर पे नाम पता है किसी को क्या है? उसका घर का नाम है, आपको पता है, एक डॉल। नो वंडर अंकिता को प्रॉब्लम क्यों है, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू बी द ओनली डॉल विक्की कैन प्ले विथ। विक्की भाई ऐसे नहीं है, वो जब भी मार्केट जाते डॉल खरीदने, वो नहीं बोलते प्ले का बटन कौन सा है, पॉज का बटन कौन सा है। अंकिता ऑलवेज बोलती है कि टीवी उनका मायका है। ये जमाई कुछ ज्यादा दिन नहीं रुक गया इधर? तो जमाई को कुछ कह ही देते अपन, है ना? जमाई को अपन कुछ कह ही देते कि जितने भी मुड़ गए ना, सारे रास्ते मोड़ लाऊंगा। जितने मुड़ गए वो सारे रास्ते मोड़ लाऊंगा, यहाँ से सारे रिकॉर्ड तोड़ के जाऊंगा। और लाला अगर तू वापस भिड़ाना तो तेरे को टनल के बाहर छोड़ के आऊंगा। लेकिन विक्की भाई का टीवी से अलग रिश्ता है, उनको टीवी हो या बीवी, फेवरेट बटन है म्यूट। लेकिन ऑडियंस थोड़ी कंफ्यूज है बाहर, मुझे पता है कि विक्की और अंकिता में ज्यादा ऑब्सेस्ड कौन है, मनारा से। लास्ट टास्क में मिर्ची वाला टास्क, टॉर्चर वाला, उसके अंदर इन्होंने कोशिश करी कि हम टास्क खेल ही ना सके। हाँ,
सारी चीजें छुपा दी, बाल्टी छुपा दी, वैक्स छुपा दिया, मसाले छुपा दिए, सूखी मिर्ची छुपा दी। इतना तो मैंने भी नहीं छुपाया। और ये लोग चाहते थे कि हम टास्क कर ही ना सके, हम टास्क करें ही ना। बिग बॉस को ये आइडिया अच्छा लग गया। तो बिग बॉस ने और हमने मिलकर डिसाइड किया कि नहीं करते। तो मतलब मिर्ची तो हमने भी लगाई, पर ऐसी जगह लगाई झगड़े में। विक्की भाई ने मेरे को बोला था, तेरे जैसे 200 मेरे यहाँ पे काम पे है, तेरे जैसे 200 मेरे यहाँ पे काम पे, 200 मेरे यहाँ पे काम पे, पर मैं तो एक ही इंसान को जानता हूँ जो यहाँ पे बीवी के नाम पे। तो आयशा में मैंने कोई जोक नहीं लिखा, क्योंकि मैं सिर्फ फेमस लोगों पे जोक करता हूँ। बट एक शायरी कह देता हूँ लास्ट में, मेरा किया मुझे कहीं भारी पड़ा, नफरत मुझसे और मैं ही चाहिए साथ खड़ा, मेरा किया मुझ पे कहीं भारी पड़ा, नफरत मुझसे और चाहिए मैं साथ खड़ा, कभी फुर्सत मिले तो शुक्रिया कह देना, आज भी तालियों के लिए आपको लिखना तो मुझ पे ही पड़ा।